अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फैटी लीवर पे एक रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक सिर्फ 14 दिन में फैटी लीवर को 50% तक कम किया जा सकता है। इसमें लोगों के एक ग्रुप को रिस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट या कीटोजेनिक डाइट पे रखा गया, जिसमें 30 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स इन्हें एक दिन में खाने की इजाज़त थी। कैलोरीज कम नहीं की गई, कैलोरी डेफिशिएंट पे नहीं रखा गया, लेकिन कार्ब्स को कम कर दिया गया। तो जो रिजल्ट सामने आए इसके मुताबिक लीवर फैट में रिडक्शन 43.8% देखी गई, और ये लिखा गया कि कीटोजेनिक डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लीवर फैट में 50% तक कमी लाई जा सकती है। बातों को थोड़ा आसान कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब नशास्तादार गजा, छने हुए आटे की रोटी, पास्ता, पिज्जा, नान, पकोड़ा, कनोला ऑयल, चीनी, चावल, ये सब कार्ब्स में आते हैं और सिंपल कार्ब्स में आते हैं, जबकि हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की जरूरत है। एक दिन में 30 ग्राम कार्ब से भी कम खाने का मतलब ये है कि पूरे दिन में आप या सिर्फ दो छोटी रोटियां खा सकते हैं जिनमें 24 ग्राम कार्ब्स होते हैं, या आप 30 ग्राम पके हुए राइस खा सकते हैं जिसमें 3 ग्राम कार्ब्स होते हैं, या आप 30 ग्राम पकी हुई दाल खा सकते हैं जिसमें 20 ग्राम कार्ब्स होते हैं, या आप 30 ग्राम पकी हुई सब्जियां ले सकते हैं जिनमें 28 ग्राम कार्ब्स होते हैं। किसी चीज में कितने कार्ब्स हैं, ये डेटा आप आसानी से इंटरनेट से ले सकते हैं और अपनी डाइट को इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी सामने आई, वो ये कि इस 2 हफ्ते में वेट लॉस सिर्फ 1.8% तक रहा, वेस्ट लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंटरेस्टिंग है कि कीटो डाइट को जारी रखना है, क्योंकि जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वेट लॉस के, वो 2 हफ्ते में नजर नहीं आएंगे। वेस्ट लाइन कम नहीं होगी और हो सकता है कि आप मायूस होकर इसे क्विट कर दें। आपको लगेगा शायद ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन बॉडी पहले लीवर फैट को प्रायोरिटी पे रखती है और फिर बाकी फैट्स को टारगेट करती है और एक्चुअल वेट लॉस स्टार्ट होता है। बॉडी यहाँ डिक्रीज डिनोवो लाइपोजेनेसिस प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। डिनोवो लाइपोजेनेसिस में लीवर नॉन फैट सोर्सेज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ जब आप कार्ब्स नहीं लेते तो आपका पैटर्न चेंज होता है। तो डिनोवो लाइपोजेनेसिस की 79.8% तक रिडक्शन देखने में आती है। न्यू फैटी एसिड्स नहीं बनते। इसके साथ साथ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, एक्चुअल फैट बर्निंग में 5 गुना तक इजाफा देखा गया, और एक्सरसाइज भी साथ करें तो इफेक्ट डबल हो जाएगा। तो फैट बर्न भी कम रहा है और बर्न भी ज्यादा हो रहा है। इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी देखने में आई हैं। इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स में लो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स, बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, लेस इंसुलिन रेसिस्टेंस मिली, और ये रिजल्ट्स कैलोरी डेफिशिएंट में जाए बगैर सामने आए, मतलब इसमें कैलोरीज कम नहीं की गई, लीवर इन्फ्लेमेशन में कमी देखी गई, और फोलेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो हमारी गट माइक्रोबायोम का हिस्सा है, जिनमें स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई और लैक्टोबैसिलस इनकी नई स्ट्रेन को बॉडी में देखा गया, इंक्रीज फोलेट लेवल्स को बॉडी में देखा गया, विटामिन B9 या फोलेट लेवल डिटॉक्सिफिकेशन मेटाबॉलिज्म और बाइल्स प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है। फैटी लीवर की वजह से जो सोजिश हुई है इसमें इन्फेक्शन साइट पे इन्फेक्टेड सेल्स का DNA रिपेयर करता है, न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है, फैट मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाता है। कीटोजेनिक डाइट में वैसे भी ब्लड में फोलेट लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं। बैड कार्ब्स नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा नहीं खाने। वेजिटेबल ऑयल, चीनी, ये सब छुपे हुए कार्ब्स हैं और हर दूसरी चीज में मौजूद हैं। तो आपको मील प्रेप की तरफ जाना है, खाना खुद बनाना है, वजन कम करना है। तो यहाँ आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया, शुगर कंट्रोल हो गई, वजन कंट्रोल हो गया और फैटी लीवर रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।